हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एब्लिस ट्रेडर पे। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक डबल ईएमए का मैं सेटिंग्स में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा आप इस वीडियो को आप लोग फास्ट से लेके इन तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एसएल रखना है और इसका टारगेट आप लोग को मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ आप लोग को एसएल पहले से पता चल जाएगा, एंट्री पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट के लिए आप अपने हिसाब से भी बुक कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से दोबारा इसको देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। देखिए, आप लोग को इंडिकेटर सेटिंग में जाना है। ये ट्रेडिंग का एक फ्री अकाउंट है, आप लोग वहां पे जाके इंडिकेटर्स में जाके आप लोग को ईएमए का आप लोग को सर्च करना है। जैसे यहाँ पे ईएमए सर्च करेंगे तो आप लोग को ईएमए मिल जाएगा, जिसका बाय डिफॉल्ट आप लोग को 9 रहेगा। तो आप लोग को डबल क्लिक करना है और दो बार आप लोग को लगाना है, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है। तो उसके बाद पहला ईएमए आप लोग को क्या सेटिंग करना है, ध्यान से देखिएगा। इनपुट पे जाना है, इनपुट पे जाने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेंथ में 9 रहेगा, तो आप लोग इसको 33 करना है, इसको चेंज करना है। उसके बाद सर्च में आके यहाँ पे हाई करना है और यहाँ मेथड पे आप लोग को एसएमए लिखा होगा, सेटिंग होगा, तो इसको आप लोग की ईएमए करना है। उसके बाद स्टाइल पे जाना है, स्टाइल में कुछ नहीं करना है, आप इसको कलर्स को आप लोग चेंज कर सकते हैं या तो फिर बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं। उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। ये हो गया फर्स्ट ईएमए। उसके बाद सेकेंड ईएमए जाना है, सेकेंड ईएमए के सेटिंग में जाना है, ईएमए के इनपुट्स में जाना है। यहाँ पे भी आप लोग को लेंथ में 33 रखना है और सोर्स में आप लोग को क्लोज रखना है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मेथड पे आप लोग आके यहाँ पे ईएमए करना है और लेंथ को 5 रखना है, ये तो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। बस मेथड को ईएमए करना है, सोर्स को क्लोज करना है, लेंथ को 33 रखना है और स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाके आप लोग इसको बाय डिफॉल्ट भी रख सकते हैं या तो भी आप लोग इसको कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद ये इंडिकेटर सेटअप बन गया है डबल ईएमए का। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं इसका सेटिंग क्या है, इसका एक्यूरेसी कितना है। इसका एक्यूरेसी मोर देन 85% है, आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, यहाँ 9:15 को मार्केट ओपन हुआ। जैसे अगर बड़ा वाला कैंडल बनता है 200 से ऊपर तो हम लोग वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। 150 के अंदर या 40-50 पॉइंट का अंदर बनता है, 150 के अंदर मैक्सिमम बैंक निफ्टी में, तो वहां पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, यहां पे फर्स्ट कैंडल बना है, ये हम लोग को कैंडल बना है, यहां पे आप लोग को 150 के अंदर ही बना है। इसका हायर लोग को मार्क कर देते हैं, तो हम लोग को क्या, ये ग्रीन बना है, ग्रीन बना है, इसका मतलब यही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन दूसरा कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। उसके बाद एक रेड कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया, दोनों लाइन को क्रॉस कर दिया, दोनों ईएमए को देखिए टच करना चाहिए, लेकिन ये इतना बड़ा कैंडल बनाया है, ये 200 पॉइंट से ऊपर है, तो हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन इग्नोर तो कर देंगे, लेकिन इससे पहले वाला का जो कैंडल बना था, ये ग्रीन कैंडल, ये चल रहा है इसका मतलब। तो देखिए, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था लेकिन सस्टेन नहीं किया। उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया 9:50 का, तो हम लोग को यहाँ पे कॉल साइड बाय करते और इस कैंडल के नीचे हम लोग का एसएल रहता, और यहाँ से पॉइंट हम लोग को कितना पॉइंट मिला देखिए, लगभग 400 पॉइंट का यहाँ पे मिला और हम लोग का एसएल कितना पॉइंट का था, एक सौ तीस पॉइंट के आसपास था। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में आप लोग को 150 पॉइंट के अंदर अगर कैंडल बनाता है तो वहां पे आप लोग रिस्क ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, और 150 पॉइंट से अगर ऊपर बनाएगा तो उस कैंडल का हम लोग इग्नोर करेंगे। और देखिए, यहाँ पे 400 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दे दिया। उसके बाद इसने फिर ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाया, इसका मतलब यही है कि इसके दोनों को इसने क्रॉस किया है, तो इसका हाई के ऊपर हम लोग मार्क कर देते। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस रेड कैंडल ने ये दोनों को टच किया है, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है। तो हम लोग को इसका नीचे अगर आता तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय कर लेते हैं, लेकिन फिर इसने इस लाइन को, इस ट्रेड को इसने रखा है, तो यहाँ इस ग्रीन कैंडल के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो हम लोग को यहाँ पे एंट्री था और इस कैंडल के नीचे हम लोग को एसएल था और फिर मार्केट ऊपर चल गया। उसके बाद फिर इसने फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे से री एंट्री दिया। देखिए, दोनों लाइन को इस ग्रीन कैंडल ने
टच किया है, उसके बाद इसका हाई के ऊपर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो हम लोग को यहाँ पे एंट्री था और इसके नीचे हम लोग कैसल था और मार्केट पर ऊपर चला गया। उसका देखिए, हाँ यहाँ पे हम लोग को एसएल हिट हो गया होता, क्योंकि देखिए ये रेड कैंडल ने दोनों लाइन को क्रॉस किया और जैसे ही क्रॉस किया इस कैंडल नीचे आ गया, तो हम लोग को यहाँ पे एंट्री बना था, एसएल हम लोग को इसके ऊपर रहता था। उसके देखिए इस कैंडल ने भी ग्रीन कैंडल बनाया, तो हम लोग को इसका हाई के ऊपर ब्रेकआउट करता तो हम लोग एंट्री लेते हैं। उसका देखिए ये भी जहाँ कहीं भी आप लोग को दिखे, जहाँ कहीं भी क्रॉस करेगा ग्रीन कैंडल बना के, तो हम लोग को ऊपर साइड देखना है। अगर रेड कैंडल अगर दोनों लाइन को अगर टच करता है और उसके नीचे अगर क्रॉस करता है, तो हम लोग को पुट साइड ही बाय करना है। देखिए आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी देखिए ग्रीन कैंडल बनाया है तो इसका ऊपर चला गया मार्केट। आप लोग इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया लेकिन यहाँ नहीं तोड़ पाए, लेकिन आपको प्रीवियस का भी नहीं देखना है, बीच में भी कहीं पे भी बनता है तो वहां पे भी आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। देखिए इसने टच किया और देखिए यहाँ से कितना पॉइंट का मोमेंटम दे दिया है, बिलीव नहीं करोगे इतना से सेटअप पे अच्छा है। 500 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया और एसएल आप लोग को कितना छोटा सा था देखिए। बस 50 पॉइंट का एसएल था और 500 पॉइंट का आप लोग को इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, और क्या चाहिए बोलिए। कहीं पे भी ब्रेकआउट करता है या तो ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट करता है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ग्रीन कैंडल अगर इसको टच करता है दोनों लाइन को और उस ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अगर ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग वहां पे कॉल साइड बाय करेंगे। अगर एक रेड कैंडल बनाता है टच करके, अगर उस रेड कैंडल के नीचे और एक रेड कैंडल ब्रेकडाउन करता है, तो हम लोग वहां पे पुट साइड बाय करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए देखा देता हूँ आपको निफ्टी में भी ये कैसे वर्क करता है। देखिए ये निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट से। आप लोग को अगर मैं सारे वीडियो में दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी तो ये लंबा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे इसको ब्रेकआउट किया, दोनों लाइन को क्रॉस किया और देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया। उसका देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनाया और रेड कैंडल देखिए इसको जैसे ही ब्रेक डाउन किया मार्केट नीचे आ गया। यहाँ आप लोग को डेली ट्रेड मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी जैसे ब्रेकआउट किया नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों लाइन को क्रॉस किया ब्रेकआउट किया ऊपर चला गया मार्केट। आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिएगा और इस पर आप लोग आंख बंद करके लाइव ट्रेड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन किया लेकिन यहाँ पे एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया ऊपर चला गया। यहाँ पे फिर कॉल साइड का बाय करने के लिए बोला था तो ये ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद इसने फिर नीचे आ गया। नीचे आने का मतलब ये है कि इसको अभी फॉलो कर रहा है, री एंट्री यहाँ पे मिला है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर ब्रेक डाउन करता है तो आप लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ से नीचे आ गया। उसके देखिए यहाँ देखिए 17 तारीख का देखिए, यहाँ जैसे ही दोनों लाइन को क्रॉस किया यहाँ ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर चला गया। देखिए कितना पॉइंट दे दिया है। आप लोग को दिन में 2-3 बार आप लोग को ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, ये जबरदस्त वार कर रहा है। आप लोग इसको सेटिंग को देखिएगा और आप अपने हिसाब से कुछ दिनों का बैक टेस्ट भी कीजिएगा और इसको आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। आप लोग का एसएल पहले से पता चल जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट किया था आप लोग को इस कैंडल के नीचे आप लोग को एसएल आएगा। और टारगेट के लिए आप स्विंग हाई को आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, या ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ तो स्विंग लो को आप लोग टारगेट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन को थोड़ा प्रेस कर दीजिए, ताकि जो कभी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन पहले आप लोग तक तो मिले। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।